फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इसराइल द्वारा किए जा रहे हमले का विरोध और भारत सरकार से सीज फायर हेतु वोटिंग की अपील करने के उद्देश्य से शुक्रवार दोपहर 2 बजे अग्रसेन चौक नागपुर से गांधी आश्रम सेवाग्राम तक एक धरना प्रदर्शन रैली पैदल का आयोजन किया गया था, जाकर यह यात्रा सेवाग्राम पहुँच चुकी है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर बड़ी मात्रा में इसराइल द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जो कि मानवता की दृष्टि से काफी घातक है। इसका विरोध करने के लिए नागपुर से शुक्रवार को वी द पीपल ऑफ इंडिया नागपुर संगठन की अगुवाई में अग्रसेन चौक नागपुर से गांधी आश्रम सेवाग्राम तक एक धरना प्रदर्शन पैदल रैली का आयोजन किया गया था, जहां सहभागियों ने शांति मार्ग से यह पैदल यात्रा की और वह कल शाम 5 बजे सेवाग्राम से गांधी आश्रम में पहुंचे, जहां समापन के तौर पर सभा का आयोजन किया गया था। सबसे पहले बात, इस गांधी यात्रा का उद्देश्य है शांति, पीस, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना, दुनिया में जहां कहीं पर भी आतंकवाद जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ खड़े होना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हर जगह मारामारी चालू है। एक अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए जो कमज़ोर समझते हैं उन्हें मारा जा रहा है। इसीलिए हमारा ये उद्देश्य और सबसे बड़ा है कि आज फ़िलिस्तीन के अंदर में जो इसराइल द्वारा जो आतंकवाद मचाया जा रहा है, जो छोटे छोटे एक दिन के बच्चे को जो वेंटिलेटर पे होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के बमों से उड़ाया जा रहा है, 216 हॉस्पिटल के ऊपर में हॉस्पिटल पे बमबारी की गई है, उसके अंदर जो बच्चे एक दिन के इंक्यूबेटर में थे, जो बच्चे NICU में थे, वो मर रहे हैं। तो अभी हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की बर्बरता जो इसराइल ने फैलाई है, आतंकवाद फैलाया है, हम उसके खिलाफ ये मोर्चा था और ये शांति के फेवर के लिए, इसीलिए हमने इसे गांधी जी का आश्रम को हमने चुना और यहाँ से हम अपनी बात पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। और हम हमारे मुल्क की जो अभी मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डेफिनेटली जो इसराइल बर्बरता वहाँ मचा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। हम उसके प्रधानमंत्री जी के इस बयान की हम इस्तकबाल करते हैं, पर आज हमारा प्रधानमंत्री, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो हम हमारे विश्व गुरु के जो बनने वाला है, तो हमारा देश एक प्रेशर रखता है, तो हम अपने प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपना प्रेशर बनाकर इसराइल की वो बात सुनता है, इसराइल बात सुनता है तो वो उसको रोके। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।